बता रहे हो? अगला कौन सा? अरे उंटाला की बात बताता हूँ, लो मैं जोरदार आपको। बात अपने खूब है ना उंटाला, आजकल तो उंटाला का नाम चेंज कर रखा है, अब तो बोलते हैं वल्लभ नगर। हाँ अब अभिषेक जी आप तो जानते हैं ना। अच्छा हुआ क्या था, महाराणा प्रताप वाले बेटे थे अमर सिंह फर्स्ट। महाराणा प्रताप बेटे कौन थे? जहांगीर, मुगल बादशाह बना हुआ, और जहांगीर का इस किले पर कब्जा था। किले पर कब्जा किसका था? उंटाला किला। भाई महाराणा प्रताप के टाइम से ही वापस इन्होंने छुड़वाने शुरू कर रखे थे, लेकिन उंटाला पर अभी तक मुगलों का कब्जा हो रखा था यहाँ पे। तो कहा कि भाई उंटाला पर हमला किया जाए, तो जहांगीर, वो जहांगीर की सेना से लड़ने के लिए अमर सिंह खुद जाते हैं, बड़ा युद्ध करते हैं, और युद्ध करने के बाद में वहां पर जितनी भी मुगल सेना थी उसको तो मार दिया और वहां कब्जा कर लिया। अब उंटाला के आसपास की जमीन पे तो कब्जा कर लिया, किले में अभी तक मुगल सेना बैठी थी। किले में क्या बैठी थी? थोड़े बहुत मुगल सैनिक बैठे हुए थे। तो कहा किले पे कब्जा करना है, किले पे कब्जा करने के लिए कौन जाएगा? तो मेवाड़ में तो सबसे पहले भेजना हो तो पहली टुकड़ी कौन जाए? सलुम्बर के चुंडा बच जाए। तो सलुम्बर वालों ने कहा भाई हम जाएंगे। महाराणा प्रताप के एक भाई थे शक्ति सिंह, क्या नाम था? उनके जो वंशज थे वो हो गए सक्तावत। वो वंशज कौन हो गए? सक्तावत हो गए। तो वो सक्तावत खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई ये क्या तरीका है कि हर बार ये सलुम्बर वाले चुंडा बच जाते हैं, कभी सेवा का मौका हमें दें और देखे देखे आप कोई कमी आ जाए तो बता देना आप। अमर सिंह जी ने कहा कि यार ये तो चुंडा के टाइम का रिवाज कि भाई मेवाड़ की हरावल में हमेशा कौन जाएंगे सलुम्बर के, रिवाज तो चेंज हो जाते हैं, रिवाज का क्या है। अब वो आपस में लड़ पड़े। तो वो चुंडावत तो कहे कि हम जाएंगे किले पे कब्जा करने के लिए, सक्तावत कहे कि हम जाए, क्या किया जाए। तो वहां सक्तावतों के एक नेता हुआ करते थे, उनका नाम था बल्लू। क्या नाम था? और चुंडावतों के जो नेता थे मतलब उनके जो लीडर थे उनका नाम था जैतर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह जी ने कहा एक काम करो, दोनों जाओ अपनी अपनी सेना लेके, दोनों जाओ अलग अलग दिशाओं से आक्रमण करो, जो किले में पहले घुस जाएगा किला उनका, अंदर थोड़ी सी सेना है मुगलों की, इनको मार के जो पहले घुस जाएगा उनका किला हो जाएगा, जो किले का पहले अंदर घुसेगा हरावल उसकी, जो किले में पहले घुस जाएगा हरावल उनको दे दी जाएगी। यदि चुंडावत घुस गए तो वेल एंड गुड, चुंडावतों के पास थी, चुंडावतों के पास रह जाएगी, और यदि पहले सक्तावत घुस गए तो हरावल किसको दे दी जाएगी? सक्तावत। सक्तावत तो गए गेट की तरफ से, जिधर किले का मुख्य गेट था उधर से तो गए सक्तावत। चुंडावत के दीवार की तरफ से, उन्होंने कहा हम तो दीवार तोड़ेंगे, उन्होंने कहा हम किले का गेट तोड़ देंगे। पहले जब किले के गेट हुआ करते थे भारी भरकम गेट होते, और उन गेटों के आगे लोहे की बड़ी बड़ी किले लगाते, बहुत बड़ी बड़ी किले लगाते ताकि जल्दी से कोई गेट को तोड़ ना सके। तब अब ऐसे गेट को कैसे तोड़े? तो हाथी लाते और हाथियों की टक्कर मरवाते जोर जोर से, हाथियों की टक्कर मरवाते तो हाथी गेट को तोड़ दिया करता। पर हाथी के भी जो चुभती है ना बेचारे की, सूढ़ चुभेगी वो किले, तो हाथी को दारू पिया के लाते, भयंकर दारू पिला, इसलिए हाथी का तो सब जुड़ता है ना, मदमस्त हाथी, तो हाथी शराब पी लेता, हाथी को शराब पी के लाते एकदम। अब वो दारू पिया हुआ आगे जोर से मारता तो उसके थोड़ी नहीं लगती, पिया हुआ आदमी कर जाता कांड है ना, तो हाथी तो और बड़ी चीज होती है वैसा। अब वो लाए सक्तावत हाथी लेके आए थे अपने साथ में, और वो हाथी जोर से उसको भगा के लाए, और उसने किले के गेट पे आगे टक्कर मारी, पर हाथी के भगवान जाने कम दारू पी हुई थी, भगवान जाने सूले ज्यादा कोई तिखी थी, उसकी एक टक्कर में उतर गई। अब उसने दूसरी टक्कर मारने से मना कर दिया, हाथी को भगा के लाए, हाथी खड़ा हो गया, भाई साहब लग रही है यार, या तो माहौल बनाओ थोड़ा और ढंग से, या थोड़ा पिलाओ तो मारूं इसके टक्कर। तो कहा यार अब यदि इसने गेट नहीं तोड़ा तो उधर से चुंडावत घुस जाएंगे, चुंडावत घुस जाएंगे तो हरावल उनके पास चली जाएगी। तो वो जो बल्लू था उसने कहा मैं गेट के आगे खड़ा हो जाता हूं, मेरे टक्कर मरवाओ लाके, हाथी सूढ़ के तो टक्कर नहीं मार रहा, मेरे तो मार देगा, मेरे पीठ पे टक्कर मरवाओ इसकी लाला के। तो वो उसके आगे खड़ा हो जाता। अब हाथी को भगा के लाते, हाथी को वो सूढ़ नहीं दिख रही, हाथी को तो वो बंदा दिख रहा है, बंदे के आगे वो टक्कर मारे जोर से। तो कहते गेट तो तोड़ दिया था पर बल्लू झूल गया था, सूढ़े उसके आर पार निकल गई थी, आप सूल के आगे खड़े हो गए तो आपके आर पार निकल जाएगी। उधर वो जो जैतर सिंगर वो थे, उनको समाचार मिला चुंडावतों को कि उधर गेट टूटने वाला है, सक्तावत अंदर घुसने वाले हैं, और उनको लगा यार आज यदि वो अंदर घुस गए तो अपने तो पीढ़ियों की कमाई चली जाएगी। अपने आज गर्व से कहते हैं कि साहब मेवाड़ में सबसे पहले मरने का अधिकार किसी के पास में, पहले कोई लड़ने मरने के लिए जाता था वो कौन जाते हैं? सलुम्बर के चुंडावत। और आज अपने हाथ से निकल जाएगा, आने वाली पीढ़ियां थू थू करेगी कि बेलखने आए थे बीच में और हमसे हरावल का अधिकार चला गया। तो वो जो जैतर सिंह था, उस जैतर सिंह ने अपने पास में एक सैनिक खड़ा था, उसका मेरा गर्दन काट के अंदर फेंक दे तू।
पहले अपने पहुंचने चाहिए, पहले वो नहीं आने चाहिए। तो एक सैनिक ने उनकी बाल पकड़ी, गर्दन काटी, अंदर फेंक दी। इधर सक्तावत पहले घुसे थे, सक्तावत ने कहा यस हमने जीत लिया। आगे जत्र सिंह वाली गर्दन पड़ी थी, उसने कहा ध्यान किधर है हीरो, नजर ने पुगी जिन जगह गोलो पड़ियो ने आए, पावास्यू पहली घणो धड़ पड़ियो सिर पड़ियो गड़ जाए। कि जहां पर अभी तक नजरें नहीं पहुंच पा रही थी, जहां पर अभी तक गोले नहीं पहुंचे थे, पैरों से भी बहुत पहले एक बंदे का सिर वहां कर आकर पड़ गया था। वो बंदा कौन था? जयत्र सिंह चुंडा। तो कोई पूछेगा हरावल के लिए कौन से किले में लड़ाई हो गई थी? कौन से किले में हो गई थी? कोंटाला। कौन सा किला था? तो हरावल कंपटीशन हुआ था यहां पे। क्या हुआ था? किस किस के बीच में? लिख लो इनके नाम, लिख लो बल्लू सक्तावत और जयत्र सिंह चुंडावत। अरे तो ऐसे ऐसे यूं डाकी हुआ करते थे, इसलिए तो जेम्सटोड को अच्छा लगा, जेम्सटोड को मजा आ गया। उसने कहा यार क्या लोग थे तुम्हारे। तो उसने अपनी किताब में लिखा कि रंगड़ ठीक हुए यहां पे।